नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। गिरडीह के उपनगरी पंचम्बा के मिशन ग्राउंड पंचम्बा थाना के सामने डिज्नीलैंड का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को गिरडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने फीता काटकर किया, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। बताया गया कि गर्मियों की छुट्टियों को यादगार तथा मनोरंजन बनाने के उद्देश्य से डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीकॉप्ट मेला का आयोजन हुआ है, जहां महिलाएं, पुरुष व बच्चे पहुंचकर मौज मस्ती के साथ कई सामान खरीद सकते हैं। बताया गया कि इस मेले में भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प द्वारा तैयार किए गए सामग्रियों का विशाल भंडार है। बताया गया कि डिज्नीलैंड में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घर के सामान, बच्चों के खिलौने, कांच के सामान, साड़ी बैग, फैंसी कपड़े समेत अन्य सामानों का विशाल संग्रह है। इसके साथ ही बच्चों के लिए ब्रेक डांस, मिकी माउस समेत कई तरह के झूले लगाए जाएंगे, जो आकर्षक का केंद्र है। मौके पर अमीरुद्दीन अहमद, पंचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, सिराज अंसारी, अजहर आलम, नूर आलम, मेला आयोजक धर्मेंद्र चौधरी के साथ साथ कई लोग मौजूद थे। झारखंड गिरडीह से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। तो नमन करता हूँ, विधायक जी आज यहाँ आए हैं और मेले का उद्घाटन किए हैं। लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेले का आनंद ले, मेला बहुत अच्छा है, यहाँ आयोजन हुआ है और हम लोग दृश्य सब लोग मिलजुल कर इस मेले की विधि व्यवस्था को देखेंगे कि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, सब लोग सहयोग करेंगे, मेले के संचालक को हम लोग साथ देंगे और किसी तरह का कोई परेशानी हो तो हम लोग को अवगत कराएं, बताएं, हम लोग 24 घंटा आपके सेवा में रहेंगे, जब भी कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह का समस्या जरूर बताएं। डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ होने जा रहा है, पूरे हमारे बड़े भाई जनाबिया, हमारे वहाँ पार्षद रूप भाई, राज भाई, पंचम्बा के थाना प्रभारी हमारे और सबसे खास आरिफ भाई, मेहनत और वर्ण की वजह से आज ये दिन साकार हुआ। मेले का बड़ा महत्व है हिंदुस्तान की सरजमी पर। पुराने दौर में जब मनोरंजन के साधन बड़े सीमित होते थे तो यही मेला जनजीवन को आपस में जोड़े रखने का बड़ा काम करता था। मेले का ही छोटा स्वरूप हटिया है और मेले का बड़ा स्वरूप सोनपुर का मेला है, जिसका लोग साल भर इंतजार करते हैं। गिरडीह शहर में हैंडीक्राफ्ट से लेकर तमाम चीज़ें और खास करके बच्चों के लिए झूले का जो भी इंतजाम हुआ है, मुझको उम्मीद है कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जितनी भी राइड है, जितने भी झूले हैं, उसमें बच्चे ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हैं, विधि व्यवस्था के संचालन में कोई समस्या रहे कि नहीं, मुख्य रूप से महिलाओं बच्चों को इस मेले का लाभ मिले, उनका एक दिन और बेहतर गुजरे, इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मुझको लगता है कि मेरा सफल होगा और इस इलाके के तमाम लोगों को इसमें बहुत बहुत धन्यवाद।